अब नया घर बनेगा दोस्तों वहाँ पर, फिर चलेंगे आराम से दोस्त के। ये ऐसे नहीं, इंग्लिश में लिख, इंग्लिश में हाँ, TW ऐसे। वो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो नहा धो के रेडी होके मातल जाके आया हूँ अभी, और अभी जा रहा हूँ मैं भद्रगढ़, बाइक पे जाएंगे क्योंकि सामान है भाई का, तो वो शिफ्ट करके आना है रूम पे, तब वाले लड़के का, तो वो लेके जाना है, उतरवा के आना है। अकेले दीपक और मैं जा रहे हैं, और ताई मेरे साथ जाएंगी। तो सामान जो है वो रख लिया था मैंने, आपको दिखाया था ना अभी, सामान यहाँ पर पैक कर रहे हैं गाड़ी में। बेड बेड रखवाया मैंने, बाकी सामान लेके आएंगे, तब तक मैं थोड़ा काम जाके आता हूँ, फिर चलेंगे अपन साथ में गाड़ी पे उतरवाने के लिए। तो चश्मा आ गई है अपनी, ऐसे पहन लूँगा मैं इसको, तो चलिए चलते हैं। बेड बेड रखवा के फिर मैं मतरे लाया था, तो अभी चलते हैं उतरवा के फिर आएंगे। और घर का जो काम है सारा हो लिया है पूरा, ठीक है, बिल्कुल सारा काम कंप्लीट हो गया है, मिस्त्री वाला। एक दो टूट फूट हैं, वो देखते हैं कब होएंगी, पता नहीं आज हो जाएंगी या नहीं। और सफाई वगैरह कर दिया है कुछ से, और कुछ रहती है। चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसा क्या है आज का दिन, और क्या अपन करने वाले हैं। चलिए खाना खाया है अभी, अभी जा रहे हैं हम, मैं ताई बाइक पे, हेलमेट लगाए जाएंगे, भद्रगढ़ गाड़ी चाली है सामान वाली, और ताई अंदर से आ रही है भाई, हेलमेट नहीं लेता हूँ मैं। ये देखिए क्या दिखा मेरे को, भाई साहब क्या मस्त है रही, क्या मस्त। एक दो तीन चार दस ग्यारह पंद्रह, इतने सारे फूल भाई साहब। रेडी फॉर गो। A few hours later. भद्रगढ़ पहुंच गया गाइस, और कुछ थोड़ा बिल्कुल सुनना हो गया। ओहो सुन होगा बिल्कुल। तो अभी एक और बुआजी के पास आएंगे, क्योंकि जो सामान आ रहा है वो काफ़ी दूर है, मतलब लगभग आधा पौना घंटा लग जाएगा उनको आने में। तो अभी बुआ नज़दीक है अपने, अपन शादी में आए थे तो वहीं जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर सामान ले रहे हैं फल फ्रूट वगैरह। आप पियेंगे गाइस जूस, फिर चलेंगे आराम से जूस पी के। रियल और अच्छा वाला बिल्कुल शुद्ध जूस, बिल्कुल ताज़ा निकाल रहे हैं। मुझे गाइस फ्लैट की दुनिया में, तो गाड़ी अभी तक आई नहीं है, और बुआ के घर से बना चुके हैं, और सभी मिल गए अपने को, तो चलिए ढूंढते हैं। लग जाएगी क्या इसकी, नहीं तो इसकी लग रही है, ओह लग गई इसकी भी, लग गई था ये, खुल गया खुल गया, आ जाओ ले जाओ भाई, खुल गया। ये है फ्लैट, क्या हालत है बाय गॉड, कॉलेज वाले दिन आता है, ओह माय गॉड। मैं कुछ दिनों के लिए रहा हूँ, बस वही याद आ गया मेरे को, वही स्मेल है बिल्कुल जैसी वहाँ पर थी, जो अभी मेरे को फील हो रही है, बिल्कुल सेम सेम वही फीलिंग है। तो ये किचन है, अभी यहाँ पर पूरा घर बन जाएगा। ये टॉयलेट, ये कुछ रखने के लिए अलमारी वगैरह अंदर ही दे दी, और ये बेडरूम मान सकते हैं अपन। ये अच्छा सिस्टम है बालकनी का, ये देखिए, पर यहाँ गंद मची पड़ी है। ये आगे फ्रंट बताई खड़ी है वहां पर, आ जाओ ताई, आखिर आ लिया, आ लिया तो गाड़ी को लेके आ रही है, मतलब डायरेक्शन दे रही है कहाँ से कहाँ है। ये देखिए नमस्ते, अभी सिर्फ ये चार दीवारें हैं, ये छोटा सा फ्लैट है, और एक आगे बालकनी है बिल्कुल फ्रंट में। ये देखिए ये बड़ी वाली बालकनी है, ये फ्रंट वाली है, और वो साइड वाली थी, इस साइड वाली हाई, वो साइड था पीछे की तरफ, पूरी कॉलोनी ऐसी है, फ्लैट फ्लैट भरे पड़े हैं पूरे। अब नया घर बनेगा दोस्तों वहाँ पर, हंसते हंसते कट। अब यहाँ पर लगवा डाटा को अपने को, सीधा डायरेक्ट ऊपर ले सामान लेके आएंगे यहाँ से, यहाँ पर नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी दोस्तों। बेड तो फिर वहाँ से लगाना पड़ेगा, और बंदे हम दो हैं, तो देखते हैं क्या रहता अभी। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो डोरी ना आने दो,
आने दो और आने दो, बस बस बिल्कुल ट्रस्ट करा दोस्तों। चलिए उतारते हैं सामान को, अब पंखे पटेंगे तो पूरी गल खराब हो जाएगी, पसीने ला जाए गाइस सामान ने तो, लेकिन हो गए बस फाइनल। चलो वो गए जाता है, घंटा लगा है और सारा सामान अंदर आ गया है। बस तीन बंदे थे हम, फ्रीज सामान बर्तन काट बेड कूलर फ्रीज जो भी जरूरत होती है सारा सामान आ गया है। बाकी तो थोड़ा बहुत रहता है पंखे वगैरह, वो भी आएंगे, पूरा घर भर दिया है। अभी कुछ से 10-15 मिनट में चलेंगे अपन, बस यही था। रख दे सामान, गदर रख दे पहले, सारी फोटो गिरने हैं, सारी फोटो हां गिर लिए, करोगे बता दूंगा। नया फोन लिया भाई, पार्टी बनेगी इसकी, बस होटल चलना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। ठंडा ले लिया फोन Vivo Y22, सामान रख दिया, ब्लॉक करके आ गए हैं। और आपकी बात इन्हें ले लें, आपकी बात ड्राइवर दीपक बनेगा, हेलमेट ले लो भाई। नाम बता पहले। रौनक। पूरी कविता आती है सूरज निकला, यहाँ तक आती है बस, ये आती है लाइन, ये पूरी आती है सुना दे दो, ये पूरी कविता सुन। हाँ नहीं चलो दे दो पहले, रुक जा अरे रुक जा, रुको एक मिनट दे, मैं देख लेता हूँ कौन सा। अरे मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं कुछ नहीं पूछ रहा तेरे से, ये किसने बनाया स्टार। अरे वाह भैया, तारों की दुनिया में रहता है तो 29 लिख के दिखा दे, मान जा मैं इंग्लिश में 29 स्पेलिंग लिख के दिखा दे यहाँ पर, ये ऐसे नहीं इंग्लिश में लिख, इंग्लिश में हाँ TW ऐसे TWETY गलत है मिला क्या मिस्टेक है, ये 29 है, क्या मिस्टेक है पता है, ऐसे लिखा है उसमें, क्या लिखा रखा उसमें, ये नहीं है ना बता दे, बोल बेटे बोल, एक सम निकाल देगा, एक सम ले पेंसिल ले, अरे पेंसिल दे देना, एक सम निकालना ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर है 2901, ये कितना सम आएगा इसका, ले निकाल के दिखा दे, गलत है बेटे गलत है तेरे को नहीं पढ़ा नहीं आता, अरे सीख जाएगा अभी तो फर्स्ट में है, आराम से आ जाएगा ठीक है। चलो चलो छोटे वाला कर दे, एक छोटे वाला कर दे, फिर जा रहा हूँ, ना जोड़ दे प्लस माइनस, प्लस माइनस कर रहा है, अच्छा लाइन में करूँगा, लाइन में कर दे, एक लाइन की सवाल अच्छे से कर लेता है। चलो कल चल रहे, चलो चलेगा, चलते अभी पकौड़ा चौक माधवगढ़ गया, मसूर पकौड़े, चलिए चलते हैं अंदर। तो बस पकौड़े दुकान पहुँच गए हैं, मसूर दुकान है माधवगढ़, अभी खाएंगे पकौड़े, भूख लगी हुई है, वो देखिए तैयार हो रहा है, गर्मा गर्म आ गया गाइस, पकौड़े खाते हैं, पनीर वाले पकौड़े गर्म हैं, ये ब्रेड पकौड़े, ये पकौड़े दोनों पनीर के, पर साथ में कोल्ड ड्रिंक पकोड़े, पकोड़े। अब चले घर, पेट पूजा फुल हो गई है, बिल्कुल सुन हो लेगा इस बाइक पे बैठे बैठे, भाई साहब पैर भी सो गए घर तो, अभी दो मिनट के लिए रुके यहाँ पर फिर चलेंगे, खतरनाक सफर है, पहली बार रुका मैं रास्ता में, ये तो कभी नहीं रुका करूँ मैं भाई साहब, चला चलेगा, चलते हैं, दो मिनट रुके हैं, थोड़ा सा आराम होगा। चलो भाई माधवगढ़ से खेलने आ गए हमें डायरेक्ट, क्योंकि सिर में दर्द हो गया है, तो यहाँ खेलेंगे ना तो मस्त ठीक हो जाएगा।
और बस आज लास्ट बार खेल रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से फिर तो टाइम नहीं लगने वाला मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम लगेगा फिर तो। तो चलिए अभी 4-5 बच्चे हैं और काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर खेलने में। 3 मैच खेलेंगे गाइस, मस्त खेले हैं और अभी कल का पता नहीं क्या होगा क्योंकि थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा बाद में अगर सही से चला तो। तो आज का दिन तो पूरा बाइक पे चला गया, पर फीलिंग एक बार का तो भाई थी, मतलब हॉस्टल में रहा करते थे हम कॉलेज के टाइम पे, जब काफ़ी मज़ा आया, क्या दिन थे वो, मतलब वहीं पे रहना, खाना पीना सोना। तो वही आज यादें ताज़ा हो गई अपनी और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो चलिए दोस्तों अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, यहीं तक रखेंगे, अच्छा लगा, लाइक कर देना एंड बाय।